नेक्स्ट पॉइंट ये है, हम समझते हैं आप इस एसआर लैच का ऑपरेशन। आई नो इट माइट बी स्लाइटली बोरिंग बट बी बेयर विद मी फॉर जस्ट टू मोमेंट्स। कीप योर माइंड हियर, यू विल अंडरस्टैंड द मैटर। एस आर और क्यू देखिए जी बेटा, अब मुझे इसको चलाना है, इस लैच को से काम लेना है। काम लेने के लिए मेरे पास दो इनपुट्स है, अब एस और आर, तो कितनी कॉम्बिनेशंस बनेगी? अरे त्रिशूल दिन में चार आते, तो चार कॉम्बिनेशंस बनेगी। ठीक, ये वाली कंडीशन जो है चलिए जरा मैं आप ये इनपुट्स देता हूं अपने सर्किट को। मैंने S assume किया 0 और R assume किया 0। आप यहां पे जगह रखेंगे काफी ताकि तीन चार इनपुट्स दे सके। मैंने S assume किया 0, R assume किया 0। जब मैं इसको 0 0 देता हूं एज इनपुट, आईज ऑन बोर्ड प्लीज। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं आज के लेक्चर का। देखिए, फॉर एन एंड गेट, फॉर एन एंड गेट, जब मैं 0 देता हूं इनपुट, मेरा NAND गेट क्या हो जाता है? एनेबल की डिसेबल। फ्लिप फ्लॉप को समझने के लिए, आईज ऑन बोर्ड प्लीज, फ्लिप फ्लॉप को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनेबल डिसेबल कंसेप्ट, जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया कि 1 से कौन सा गेट डिसेबल हो जाता है, और गेट और नॉर गेट। 0 से कौन से गेट डिसेबल हो जाते हैं, एंड गेट और नैंड गेट। ये एंड और नैंड भाई है ना आपस में, तो ये दोनों 0 से डिसेबल हो जाते हैं। अब डिसेबल का मतलब क्या है? डिसेबल का मतलब ये है जब उसका एक इनपुट 0 होता है, ये दूसरे इनपुट का वेट नहीं करता है, इसका आउटपुट हमेशा 1 होगा। इसका मतलब है डिसेबल हो गया, मतलब इसने 1 आउटपुट दे दिया। Obviously for this side also R is 0, so output will be 1. ठीक है? So but I told you right at the outset that these two outputs will be complement of each other. So we call this 0-0 state as invalid state. Why? Because we have same value, and that violates the basic construction of a flip flop के दोनों जगह पे same input नहीं आ सकते. ठीक है? हाँ बेटा, जब एक NAND गेट को एक इनपुट 0 होता है, रेस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड इनपुट उसका आउटपुट हमेशा 1 होता है। आप NAND गेट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इधर भी एक इनपुट R मैंने बना था ना, ये 0-0, तो आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा ना, तो हो गया ना। लेकिन एक्चुअली होना चाहिए Q of N इधर होना चाहिए, उसका बाहर होना चाहिए, मतलब यहां अगर 1 हो यहां 0 आना चाहिए, वो वैलिड कंडीशन थी। तो ये कहलाती है इनवैलिड कंडीशन। आपको इनवैलिड कंडीशन समझ आ गई? बट नाउ ये बस समझने के लिए था, लेकिन मैं स्टार्ट अब इस कंडीशन से नहीं करूंगा। आई विल जस्ट रीस्टार्ट माय सर्किट। आई विल बोर्ड प्लीज, आई विल जस्ट रीस्टार्ट माय सर्किट। आप इसको एक ही लाइन में बनाएंगे, आपकी कॉपी की जो लाइन है ना, एक ही लाइन में बनाएंगे इसको। ठीक है, आप एक ही लाइन में इसको बनाइएगा जरूरी। ओके, लेट मी गिव द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज 0-1। एस पे मैंने क्या दिया? 0। आर पे मैंने 1 दिया। अब आपके दिमाग के जो थोड़े हैं ना ये रगे, थोड़ा सा उनपे स्ट्रेस आएगा, लेकिन आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट लिसनर्स। ठीक, ज्यादा जोर नहीं देना दिमाग पे, बट लेकिन ध्यान से सुनिए बस। सुनिए, एस मैं इस वाली, आई ऑन बोर्ड प्लीज, मैं इस वाली कंडीशन के लिए अब देखना चाहूंगा कि मेरा लैच जो है क्या वो वैलिड आउटपुट देगा या इनवैलिड आउटपुट देगा। एक तो वो, और दूसरा ये भी कि क्या आउटपुट देगा। ठीक है बेटा, पहले लोग स्टैंड अप, स्टैंड अप, यस जाओ उधर बैठो पीछे जल्दी से। सो आई विल जस्ट सी व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस। जाओ जल्दी से, क्या है नहीं, इतना भी पनिशमेंट देने का मकसद नहीं था मेरा। चलिए आप इधर बैठिए सामने। सो व्हेन
I choose this condition as a test condition. Now let's see what happens. चलिए जी, S पहले zero रखा, ठीक है? ये S, S ये है, और R ये है. Eyes on board, please. कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं. I just want you to listen. S zero, R one. S, be with me please. S zero है और R one है. क्या मैं यहाँ से शुरू करूँ और इस गेट का आउटपुट इवैल्यूएट करूँ, या मैं यहां से शुरू करूं और पहले इस गेट का आउटपुट इवैल्यूएट करूं? व्हाट्स योर आंसर? रेज योर हैंड. एस वाला. क्यों? देन रेज योर हैंड. व्हाट्स योर आंसर? आप बताइए. ट्राई. नो, आई नीड अ सॉलिड आंसर. यू प्लीज. No, not really. Remember this line and remember this for every flip-flop you will evaluate. क्योंकि हम NAND-based flip, eyes on board please. क्योंकि हम NAND-based flip-flop जो है वो evaluate कर रहे हैं, और एक NAND के लिए NAND gate zero से disable हो जाता है, तो obviously we will be easily able to evaluate its output condition. ठीक है? याद आ? क्योंकि NAND गेट सर्किट है, NAND गेट जीरो से डिसेबल होता है, तो जहां से जीरो है पहले वो वाला साइड आप इवैल्यूएट करेंगे. सो जीरो यहां पे S जीरो है, ओके. इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस इनपुट माय आउटपुट विल बी 1. सो इस Q ऑफ N का वैल्यू आया 1. ये 1 का पता पता बार 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 रिवाज होता है, वो होता है योर कैच R 1. सो R 1 और इसका दूसरा इनपुट भी 1 है. 1 और 1 एक NAND गेट का ट्रुथ टेबल देखना, ये आपके लिए नोवेल रखो आज. एक NAND गेट का ट्रुथ टेबल, 1-1 पे एक NAND गेट हमेशा 0 ही देता है. सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. 0-1 के लिए मेरा आउटपुट, रादर इट इज Q ऑफ n प्लस 1, मेरा आउटपुट जो है नेक्स्ट स्टेप Q ऑफ n प्लस 1 वो वैलिड है, और मेरा Q ऑफ n क्या है? ऊपर वाला Q ऑफ n क्या है? 1. सो फॉर इनपुट कंडीशन 0-1 my output is 1. ठीक है? Next condition. ये क्या लिखा है? Q of n plus 1. और मैंने बस Q of n plus 1 को ही लिखा यहाँ पे. वो क्या है? Q of n plus 1 क्या है? 1. मैं I'm not bothered about Q of n plus 1 bar because that obviously will be complement of this. ठीक है? I can make one more column. But I need not to make that. ठीक है? Okay, let's go to the next. No, no, I have to complete this. Thank you. Okay, just give me one. ठीक है, but ये सारा जाया हो जाएगा, पूरा बीच में जाया हो जाएगा. Wait, listen to me, please. Wait, no questions at all. You can see the video again. Now let me give this state. I'll wait for this state. मैं 1-1 state देता हूँ. अच्छा, पहले मैं इसको complete कर देता हूँ, आप भी कर दीजिए. 1-0 पे मेरा किसी तरह से भी format use करके 0 आएगा, और 1-1 पे Q of n आएगा, या मैं कहूँगा previous state वापस आएगी. ठीक है? 1-1 पे मैं खत्म कर रहा हूँ, just within 5 minutes. ठीक है? ये समझ आ गई ना आपको ये condition? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कहे? एक तो ये कहा कि मैंने जिस साइड से जो भी इनपुट जीरो होगा पहले उसी साइड पे इवैल्यूएट करना है, लेकिन होते इनपुट्स ओनली, और फिर उसी हिसाब से सीक्वेंस में आगे आगे चलते जाना है. ठीक है? अब मैंने 1-1 यहां पे मैं कह रहा हूं प्रीवियस स्टेट रिटेन होगी या रिपीट होगी. अभी प्रीवियस स्टेट क्या है? 1 है ना प्रीवियस स्टेट, एंड लेट मी नॉट बॉदर अबाउट क्यू एन प्लस 1 बार, लेट मी बॉदर ओनली अबाउट दिस 1. सो 1 इज द प्रीवियस स्टेट, सो लेट मी गिव इनपुट 1 1. What should happen is output पे यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए. Let's evaluate again. अब 1 है यहाँ पे, S 1 दे रहा है इस टाइम इसको. अब यहाँ पे क्या होगा? ये वाला 0 जो already previous state का 0 ये आएगा चलते चलते यहाँ. तो 1-0 AND gate क्या होगा? Sorry, NAND gate क्या होगा? NAND gate क्या होगा? Enable disable. NAND gate क्या होगा? Disable. क्योंकि इसका दूसरा input 0 आ गया ना. दोनों में से एक भी इनपुट जीरो हो तो आउटपुट विल ऑलवेज बी 1. सही है? सो 1-0 आउटपुट आएगा 1 जो कि प्रीवियस स्टेट थी. ये 1 यहां पहुंचेगा और इसका दूसरा इनपुट भी ऑलरेडी 1 है, क्योंकि मैंने ये वाली कंडीशन